हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। आप सभी का स्वागत है नामदेव एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको डाइस के बारे में बताऊंगी, जिसे हिंदी में हम पासा कहते हैं। अब देखो, ये टॉपिक है ना, वो हर एग्जाम में, बस बैंक को छोड़ के बाकी के सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। इसका एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का 100% आता है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डाइस, ठीक है। तो देखो, जो डाइस होता है ना, वो डाइस में जो सरफेस होती है, सतह होती है, वो कितनी होती है? तो देखो, छह होती है वो, ठीक है। तो सतह कितनी होती है? सतह होती है अपनी छह होती है। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब मैं दिखा देती हूँ आपको कि सतह जो छह होती है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो देखिए, अब मैंने इसमें कर रखा है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ छह हो गई। तो देखो, ये देखिए है ना, इसमें कितनी हो गई ये। अब ये जो वाली सतह है ना, देखो ये सतह का मतलब क्या है? सतह का मतलब है एक तरह से फेस, जो सीधे सीधे दिख रहे हैं। तो अब छह होती है, तो देखो इसकी नंबरिंग देख लो, कितने नंबर होते हैं भाई, एक से और छह तक के नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब ये डाइस जो पासा होता है ना, देखो जैसे अपन लूडो, सांप सीढ़ी ये सब खेलते हैं ना, तो उसमें जो गोटी को उछालते हैं ना, गोटी होती है, उसी को बोलते हैं पासा, ठीक है। तो उसमें जो नंबरिंग होती है, कभी ध्यान से देखना, उसमें नंबरिंग कितनी होती है? छह तक होती है, छह तक होती है। तो जो देखो, ऐसा जो पासा होता है ना, उसका जो सम होता है ना, सम होता है, तो सम कितना होता है? सम होता है उसका सात होता है सम, ठीक है। तो देखो, उस पासे को क्या बोलते हैं, जो लूडो और इसमें खेलते हैं ना, तो वो गोटी उछालते हैं, तो उस पासे को बोलते हैं मानक पासा, जिसका सम होता है सात होता है। तो अपन ने देख लिया सतह, सतह यानी कि फेस, ठीक है। कितनी होती है? कितनी होती है? छह होती है। तो देखो, ये दिख रही है ना अपन को, ये वाली, तो ये कौन सी हो गई? लेफ्ट वाली हो गई, ठीक है। ये लेफ्ट हो गई अपनी, और ये कौन सी हो गई? ये वाली हो गई, राइट हो गई, ठीक है। अब देखो, दो तो ये हो गई। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये वाली ये दिख रही है, ये वाली, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई? ये अपनी हो गई है, बॉटम हो गई है, ठीक है। कौन सी हो गई है? बॉटम हो गई है। अब देखिए, ये देखिए बॉटम यानी नीचे वाली, ठीक है, नीचे की। अब देखिए, ये देखिए, ये कौन सी हो गई है? ये हो गई टॉप की, हो गई है ये टॉप की, ठीक है, ऊपर वाली। अब देखो, ये देखिए, ये एकदम सामने दिख रही है, सामने दिख रही है ना, तो फ्रंट वाली हो गई, ये कौन सी हो गई? फ्रंट वाली, ठीक है, सामने। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये वाली देखिए, ये बैक साइड में दिख रही है, पीछे की साइड में, तो ये कौन सी हो गई? बैक हो गई, पीछे की साइड वाली। तो देखिए, मैं बता देती हूँ फिर से। देखो, डाइस में सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि ये जो इसमें सरफेस है, फेस है यानी कि सतह, वो कितने होते हैं? तो वो होते हैं अपने छह होते हैं, ठीक है। तो उनके नंबरिंग देख ले, कहां से? एक से छह तक होते हैं। तो देखिए, अब वो छह कौन कौन से होते हैं? छह होते हैं, देखो ये देखिए, इस वाले फिगर में देखिए, ये लेफ्ट, लेफ्ट हो गया यानी कि बायां, और यहां देखिए राइट, ठीक है, जो कि दायां। फिर देखिए यहाँ पे बॉटम, नीचे होता है एक, ठीक है, और एक ऊपर की साइड होता है टॉप पे, फिर एक सामने की साइड होता है फ्रंट पे, और एक बैक साइड में होता है पीछे की साइड में। अब देखिए, इसमें सबसे पहले टाइप वन देखिए, ठीक है। देखो, ये अपना क्वेश्चन है। अब इसमें पूछ दे कि फाइव का अपोजिट बताओ, फाइव का अपोजिट बताओ कौन सा, क्या आएगा, ठीक है। तो फाइव के अपोजिट में क्या आएगा? तो देखो, इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, तो देखिए अपन को इसमें बताना है पांच का अपोजिट बताना है, ठीक है, कि भाई पांच के सामने पांच का अपोजिट क्या होगा। तो देखो, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो पासा होता है ना, उसका सम कितना होता है? उसका सम होता है अपना सात होता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। पासे का सम कितना होता है? सात होता है। तो अब देखिए, अपन इस एक में से अपन को कैसे पता चलेगा कि इनका अपोजिट अपन कैसे निकाले? तो अपन को कुछ भी नहीं करना है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में अपन को क्या करना है, जब एक ही पासा दे रखा हो ना, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अपन को क्या करना है, अपन को दिमाग में याद रखना है कि भाई सम कितना होता है पासे का? सात होता है, ठीक है। तो अब देखो, मैं ये चार है, चार को सात बनाने के लिए अपन को कितने की जरूरत है? अपन को तीन की और जरूरत है। अब देखिए, पांच को सात बनाने के लिए कितने की जरूरत है? पांच को अगर सात में बनाऊंगी तो मुझे दो की जरूरत है। अब ये देखिए, एक है, एक को जब सात बनाना है मुझे, तो कितने की जरूरत है? अपन को छह की जरूरत है। तो यानी कि क्या हो गया, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो गए, कि चार है उसका अपोजिट तीन हो गया, पांच का अपोजिट दो हो गया, और एक का अपोजिट छह हो गया, ठीक है। तो देखो, अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, कि पांच का अपोजिट क्या होगा? तो ये देखा अपन ने, पांच का अपोजिट क्या हो रहा है? पांच का अपोजिट दो हो रहा है, तो दो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब इसमें पूछ दिया कि तीन का अपोजिट क्या होगा, तीन का अपोजिट क्या होगा, तो देखो अपन को क्या करना है, अपन को पता है सम कितना है, सात है, ठीक है। तो देखो अब बताओ तीन को सात बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीन में अपन को चार और ऐड करने पड़ेंगे। अब देखिए दो को जब मुझे सात बनाना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, दो में अपन को पांच और ऐड करने पड़ेंगे। अब यहाँ देखिए जब एक है, एक को सात बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक में अपन को छह और ऐड करने पड़ेंगे। तो क्या पूछा है, देखो तीन का अपोजिट पूछा है, तीन का अपोजिट क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपस में अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये आपस में अपोजिट होते हैं, तो तीन का अपोजिट क्या हो गया, तीन का अपोजिट चार हो गया, जो कि अपना आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट में क्या है, पूछ दिया तीन का अपोजिट क्या होगा, तो देखो कोई दिक्कत नहीं, अपना वही कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या बताया मैंने कि सम कितना होता है, सात होता है, ठीक है। अब देखिए ये पांच है, पांच को जब सात बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पांच में अपन को दो और जोड़ने पड़ेंगे। अब छह का बनाएंगे अपन सात, तो छह को सात बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक और ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ क्या है तीन है, तीन को सात बनाने के लिए इसमें चार और ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि ये क्या हो गए, पांच का अपोजिट क्या हो गया, दो हो गया, छह का अपोजिट क्या हो गया, एक हो गया, तीन का अपोजिट क्या हो गया, चार हो गया। तो क्या पूछा है, तीन का अपोजिट क्या हो गया, तो चार अपना आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसी टाइप से ये देखिए, यहाँ पूछ देंगे कि भाई दो का अपोजिट बताओ, तो ठीक है समझा चुके हूँ ऑलरेडी कॉन्सेप्ट, क्या बताया है मैंने कि अपन का अपना सम कितना होता है, इसका पासे का सात होता है, ठीक है, मानक पासे का सम कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा, सात हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ क्या है, दो है, ठीक है, दो को सात बनाएंगे तो अपन को कितना, पांच और ऐड करना पड़ेगा, तीन को सात बनाएंगे तो अपन को चार और ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जब एक का सात बनाएंगे तो अपन को छह और जोड़ना पड़ेगा, और जितने भी जोड़े ये आपस में क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। तो दो का अपोजिट क्या हो गया, दो का अपोजिट पांच हो गया है, तीन का अपोजिट क्या हो गया, तीन का अपोजिट चार हो गया, फिर एक का अपोजिट क्या हो गया, छह हो गया, ठीक है। तो क्या पूछा है, दो का अपोजिट क्या होगा, तो दो का अपोजिट क्या हो गया, पांच हो जाएगा, पांच अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइप टू देखिए, तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें अपन क्या करेंगे कि जो दो दो डाइस का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें पहला जो रूल है ना, रूल मैं बताती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है पहला रूल ये है कि व्हेन वन नंबर इज कॉमन इन बोथ डाइस, कि यानी दोनों डाइस में एक नंबर तो कॉमन होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों डाइस है, यहाँ देखो दो डाइस है, इनके अंदर कम से कम एक नंबर, कम से नहीं मतलब कि एक नंबर ही कॉमन होना चाहिए। तो देखो अब अपन ने क्या देखा, अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन है, तो अब मुझे बताओ कि इसमें कॉमन नंबर कौन सा है, ठीक है। तो ये देखिए ये छह है ना, छह इसमें भी है, छह इसमें भी है, तो ये क्या हो गया, ये अपना कॉमन नंबर हो गया, कॉमन नंबर हो गया। तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो ये मैं एक डब्बा बना देती हूँ, ये देखो ये डब्बा बना दिया, ठीक है। तो अब देखो ये वाला एक, ये फर्स्ट वाले का है, ये फर्स्ट हो गया और ये अपना सेकंड हो गया, ये वाला सेकंड का है। तो अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों के अंदर कॉमन छह है, तो अपन ने दोनों में छह लिख दिया। अब अपन को क्या करना है, अपन को करना है कि भाई जो भी कॉमन है ना उसके अपन को क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। तो अब ये छह कॉमन है तो यहाँ से अपन को क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। अब यहाँ पे भी छह कॉमन है तो इसके भी अपन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ, अब अपन पहले डब्बे को देखते हैं, पहले पासे को। तो अब मुझे बताओ छह के जब मैं क्लॉकवाइज चली तो छह के बाद क्या आया, छह के बाद चार आया, ठीक है, चार आया छह के बाद, तो मैं लिख दू चार यहाँ। अब चार के बाद और आगे चले तो क्या आया, दो आया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे दो। इसी तरह से हम बात करते हैं ये दूसरे डब्बे की बात करते हैं। अब दूसरे डब्बे में भी क्या है, दोनों में छह छह कॉमन है, तो छह देखो ये रहा। अब यहाँ से अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, इधर डायरेक्शन में। तो अब बताओ छह के बाद इधर चले अपन तो कितना है, पांच आया, ठीक है, पांच आया तो लिख दे पांच अपन। अब देखो फिर और आगे बढ़े तो कितना है कॉमन, तीन आया, तो अपन ने लिख दिया तीन, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, ये सारे आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये देखो चार का पांच हो जाएगा, दो का अपना तीन हो जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो छह छह आ गए, छह छह के वाक्य में एक दूसरे से के अपोजिट होंगे क्या, क्योंकि अपोजिट का मतलब क्या होता है,
कि जैसे मान लो इसमें दो दिखाई दे रहा है, ठीक है, दो है तो अपन से पूछे भाई दो का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, तो अब वो दो है ना, दो के अलावा मतलब कि जो भी इसका अपोजिट होगा वो इसमें जो ये नंबरिंग दिखाई दे रही है ना, जैसे दो के अलावा क्या दिख रहा है, चार छह, चार छह इसका अपोजिट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जो भी नंबर अपोजिट होंगे वो उस डाइस में दिखेंगे ही नहीं। अब यहाँ पे भी देख लो, जैसे तीन का अपोजिट पूछे तो भाई पांच छह तो नहीं हो सकता क्योंकि वो इसमें दिख रहे हैं, तो अपन को क्या करना है, ये तो अपोजिट हो गए, अब ये बताओ छह छह आपस में थोड़े ना अपोजिट होंगे, छह छह होंगे नहीं, ठीक है, तो अब अपन से क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि भाई बताओ छह का अपोजिट बता दो मुझे तो कितना हो गया, तो अपन को क्या करना है, अपन को कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे इसका जो छह का अपोजिट होगा ना वो एक ऐसी संख्या होगी जो नई संख्या होगी, ठीक है, जो इन डब्बों में नहीं आई हुई हो, तो उसके लिए जैसे मान लो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, ठीक है, ऑप्शन दे दिया, जैसे मैंने तीन दे दिया, ठीक है, बी मैंने पांच दे दिया, सी दे दिया चार दे दिया, और डी में दे दिया मैंने सात दे दिया, तो अब बताओ भाई छह है उसका अपोजिट क्या होगा, क्या मैंने बताया इसका अपोजिट कौन सा होगा, जो नया नंबर होगा, तो अब मुझे बताओ छह का अपोजिट तीन हो सकता है क्या, तीन तो देखो इस डब्बे में भी दिख रहा है, दोनों में से किसी में नहीं आना चाहिए जो मतलब कॉमन का जो अपोजिट होगा, तो अब देखो ये तीन दिखाई दे रहा है तो तीन तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन कैंसिल। अब देखो नेक्स्ट क्या है, पांच, पांच पांच भी दिख रहा है, पांच चाहे इसमें दिखे इसमें दिखे वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक नया नंबर जो होगा जो दोनों में ही नहीं होगा वही अपना आंसर होगा, तो देखिए पांच पांच इन दोनों में से इसमें है तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए चार की बात करते हैं, तो चार चार दिख रहा है अपन को इसमें दिख रहा है तो चार भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए सात, देखिए सात देखिए तो सात, अब देखो इसमें सात नहीं है और इसमें भी सात नहीं है, तो अपना जो ये इसका जो अपोजिट है ना छह का अपोजिट क्या हो जाएगा, सात हो जाएगा, तो देखिए छह का अपोजिट क्या हो गया, छह का अपोजिट अपना हो गया सात हो गया, सात क्यों हुआ वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, ऑप्शन देख के आपको करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में भी वही फंडा अपनाना है अपन को, अब मुझे बताओ इसमें कॉमन कौन सा है, ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या देखा इसके अंदर कॉमन जो है वो क्या है, तीन है, ठीक है, तीन कॉमन दिखाई दे रहा है, तो तीन कॉमन दिखाई दे रहा है तो लिख लू मैं तीन को, देखो ये लो लिख लिया मैंने तीन को दोनों डब्बों में, ये पहला डब्बा हो गया अपना पहले का और ये दूसरे का हो गया, तीन लिख लिया, क्या समझाया मैंने कि जो भी कॉमन है उसके ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, ये लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन को घूमना है, तो अब अपन पहले डब्बे की बात करते हैं, ठीक है, पहले डब्बे की बात करते हैं, तो अब भाई पहले में क्या है, तीन के बाद क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज जाएंगे तब यहां से भागे भागे चले तो तीन के बाद क्या आया, पांच आया, तो ठीक है पांच, अब यहां से और आगे बढ़े तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं तो पांच के बाद क्या आया, दो, तो ये अपना पहला, फिर वापस तीन आ गया तो पहला जो बॉक्स है वो कंप्लीट हो गया है। अब अपन नेक्स्ट बॉक्स की बात करते हैं, तो देखो नेक्स्ट बॉक्स में कॉमन क्या है, कॉमन अपना तीन है, ठीक है, तो अब यहां से भागे भैया अपन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भागना है, यहां से अपन भागे तो क्या आया, एक आया, अब और आगे भागे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और भागे तो एक के बाद क्या आ गया, चार आ गया, ठीक है, तो अब देखिए पूछ ले आपसे कुछ भी कि भाई पांच का अपोजिट बताओ, पांच का अपोजिट बताओ, तो आप इजीली कर दोगे ना, कैसे, मैंने क्या बताया कि ये जो दोनों नंबर हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि पांच का क्या हो जाएगा, पांच का एक हो जाएगा, दो का कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, अब ये तीन है, तीन का तीन तो नहीं हो सकता ना, सेम सेम तो हो नहीं सकता, तो देखो अपन को क्या करना पड़ेगा, सेम के लिए मैंने क्या बताया था, सेम के लिए मैंने बताया था कि जो नई संख्या होगी कोई वो अपना आंसर होगी, यहाँ पे जो नई संख्या होगी वही इसका अपोजिट होगा, ठीक है, तो अब बताओ नई संख्या कौन सी हो सकती है, नई संख्या कौन सी हो सकती है, देखो जो डाइस होता है पासा उसमें एक से छह तक नंबरिंग होती है, तो देखो कौन कौन से आ गए, एक भी आ चुका है, दो भी आ चुका है, तीन भी आ चुका है, चार भी आ चुका है, चार के बाद पांच भी आ चुका है, अब क्या क्या बच गए, छह और सात बच गए, तो भाई तीन का जो अपोजिट है ना वो छह या सात में से कोई सा भी हो सकता है, तो वो कैसे पता चलेगा, वो अपन को जो भी ऑप्शन दिया रहेगा ना उसको देख के अपन टिक कर देंगे, जैसे कि मान लो भाई ऑप्शन अपन को दे दे कि जैसे एक ऑप्शन में अपन को दे दे तीन दे दे पांच दे दे है ना, और एक ऑप्शन में अपन को जैसे तीन दे दे
और फिर नेक्स्ट में अपन को जैसे दो दे दे, और फिर नेक्स्ट में अपन को जैसे छह दे दे, तो अब बताओ ये 5 3 2, ये तो देखो 5 भी इसमें आ रहा है इसमें, फिर 3 3 देखो 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, और 6 6 एक ऐसा नया नंबर है जो ये दोनों फिगर में से किसी में भी नहीं आ रहा। तो जो ये 3 का जो अपोजिट होगा, 3 का अपोजिट एक नया नंबर ही होगा, तो नया नंबर कौन सा हो गया, 6। तो 6 अपना आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ 6 की जगह 6 नहीं होता, 6 की जगह 7 होता, तो 7 अपना आंसर हो जाता। अब देखिए नेक्स्ट टाइप, देखिए नेक्स्ट टाइप 3। तो इसमें क्या है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया है कि इससे पहले का जो टाइप था ना, उसमें तो क्या भाई एक नंबर कॉमन होना चाहिए था दोनों डाइस में, लेकिन इसमें क्या चेंज कर दिया कि इसके अंदर देखो व्हेन टू नंबर्स इज कॉमन इन बोथ डाइस, कि भाई जो दो नंबर है ना, दो नंबर कॉमन होने चाहिए किसमें, दोनों डाइस में। तो अब देखिए दो डाइस हमारे पास ये हो गए, पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो दो डाइस हो गए, अब इसमें देखो दो कॉमन नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो दो कॉमन नंबर कौन कौन से हैं, देखो दिख रहे हैं क्या दो कॉमन नंबर, बिल्कुल दिख रहे हैं। देखो चार इसमें भी है, चार इसमें भी है, छह इसमें भी है, छह इसमें भी है। तो देखो जो भी दो कॉमन नंबर होंगे ना, उनको अपन कट कर देंगे, ठीक है। काट दिया मैंने इनको, ये लोग काट दिया। तो अब बचा क्या, बचा क्या एक और पांच बच गया। तो एक और जो पांच है ना, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो जैसे अपन से क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई एक का अपोजिट बताओ, तो एक का अपोजिट इजीली अपन बता देंगे, क्या बता देंगे कि एक का अपोजिट है वो पांच होगा। इसी तरह से देखिए इसमें देख लीजिए, अब मुझे बताओ कि इसमें कॉमन कौन कौन सा है। देखो इसमें छह कॉमन है, इसमें भी छह, इसमें ये पांच कॉमन है। तो दोनों संख्या कॉमन आ गई, दो नंबर कॉमन आ गए, अपन ने क्या इनको काट दिया, ये लोग काट दिया। तो अब पूछ रहे हमसे कि बताओ दो का अपोजिट क्या होगा, तो बताओ दो का अपोजिट क्या होगा, दो का अपोजिट अपना एक हो जाएगा। तो एक अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो अपोजिट नंबर होते हैं ना, जो अपोजिट नंबर, एक चीज अपन को याद रखनी है डाइस पढ़ते हुए, चाहे नोट करके लिख लो चाहे कुछ भी, कि जो अपोजिट नंबर्स होते हैं ना कांट बी टूगेदर, कि भाई अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं। अब देखिए, अब अपन ने कॉन्सेप्ट इसका डाइस का पढ़ा चुकी हूँ मैं, अब अपन क्वेश्चंस देखते हैं। देखो अपन को ये कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भैया एक डाइस दे रखा है, दो दे रखे हैं या तीन दे रखे हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपन आसानी से कर लेंगे। तो देखो अपन अब तीन तीन डाइस वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो तीन तीन डाइस वाले अपन ने क्वेश्चंस किए। तो देखो इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन है उसमें अपन से पूछ दिया कि बताओ इसके अंदर बी का अपोजिट क्या होगा। तो देखो अब अपन को क्या करना है, अपन को सिलेक्शन करना है, ठीक है। इनमें से क्या सिलेक्शन करना है कि भाई कौन कौन से इसे कंपेयर कराए। तो अब अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अपन को एक ऐसा तो इनमें से लेना ही पड़ेगा जिसमें बी आ रखा हो। तो क्यों क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है कि भाई ये बी का अपोजिट, तो जब हम एक तो ऐसा अपन को रखना ही पड़ेगा ना जिसमें बी हो, तभी तो हम बी का कंपेरिजन कराएंगे, बी का अपोजिट ढूंढेंगे। तो देखो अब जैसे ये, ठीक है, तो इसका अपन कंपैरिजन कराते हैं इससे कराते हैं, ठीक है, इसमें देखते हैं। तो देखो इससे करने पे अपना आंसर मिलता है क्या, तो देखो चेक करते हैं अपन क्या है अपने पास। देखो दोनों में बी बी कॉमन है, ठीक है, बी बी कॉमन है दोनों में। तो अपन ने, मैंने क्या बताया था कि जो भी कॉमन है अपन उसको लिख लेंगे। तो देखो इससे भी ये हो सकता है, दो तरीके से ये होगा, कैसे होगा बताती हूँ। देखो दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। इसमें क्या है बी कॉमन, इसमें भी बी कॉमन, तो इसका क्लॉकवाइज चलेंगे, इसका भी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब देखो यहाँ से आगे चले, इससे इसके पास से चले नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया डी आ गया, ठीक है। ये पहला डिब्बा हो गया, ये दूसरा बॉक्स हो गया और ये थर्ड बॉक्स हो गया है। अब देखिए तो पहले बॉक्स की अपन ने कंपेरिजन अभी किस किस के बीच में हो रहा है, पहले और दूसरे के बीच में। तो कॉमन क्या है, बी भी आ गया। अब बी से भाई आगे चले अपन, पहले बॉक्स की बात करते हैं, ठीक है, पहले बॉक्स की बात करते हैं। तो बी कॉमन ये रहा, अब बी से आगे चले तो क्या है एफ आया, तो मैं यहाँ लिख दूंगी एफ लिख दूंगी। अब उससे और आगे चले अपन तो क्या है एफ के बाद क्या है ई आया है, तो ई लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट सेकेंड बॉक्स की बात करते हैं, कॉमन क्या है बी है, बी से आगे चले अपन को क्या मिला डी मिला, फिर डी से आगे चले तो अपन को क्या मिला ए मिला, ए से आगे चले तो वापस से बी आ गया। तो अब देखिए ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो गए, कौन कौन से भाई एफ है
एफ अपोजिट हो गया डी का, क्योंकि आपस में अपोजिट होते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। ई e किसका अपोजिट हो गया, ए का हो गया। अपन से पूछा बी का अपोजिट क्या होगा, तो देखो अब बी का अपोजिट, तो बी का अपोजिट एक कोई नया नंबर होगा, न्यू नंबर, ठीक है, जो नया नंबर होगा वो बी का अपोजिट होगा, तो वो अपन को ऑप्शन देख के पता चलेगा। अब देखो जैसे मान लो मैं ऑप्शन मान लेती हूँ एफ मान लिया, ठीक है, अब मान लिया मैंने जी मान लिया, फिर मैंने ए मान लिया, और अपन ने फिर मान लिया डी मान लिया, तो बताओ अब क्या आंसर होगा। मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने इतना सिखाया आपको कि जो कॉमन नंबर होते हैं ना उनका जो अपोजिट होगा वो नया नंबर होगा, ऐसा नया नंबर जो दोनों बॉक्स में से किसी में नहीं आ रहा हो। देखो एफ देखो दोनों बॉक्स में से किसी में आ रहा है कि बिल्कुल आ रहा है, तो ये ऑप्शन अपना कट हो गया। नेक्स्ट देखो जी, देखो जी दोनों में से किसी में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये अपना आंसर हो गया। अब देखो ए और डी, ए और डी तो आ रहा है, तो ये अपना आंसर हो गया। तो देखिए इसको अगर पहले और दूसरे से कंपेयर करा है तो ही अपना आंसर आ चुका है, ठीक है, यानी कि तो भी हो गया, इससे भी पहले और दूसरे को कंपेयर कराएंगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो और किससे सॉल्व होगा, अब अपन अगर देखते हैं बी वाला तो अपन को लेना ही लेना है, तो यानी फर्स्ट बॉक्स ये बी ले लेते हैं, और फिर इसको जैसे फर्स्ट को कंपेरिजन करा देते हैं थर्ड बॉक्स से, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में कंपेरिजन करा देते हैं। अब तो अब देखो इससे भी सॉल्व हो जाएगा, ये कैसे सॉल्व होगा, अब मुझे बताओ फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है, कॉमन क्या दिख रहा है मेरे को फर्स्ट और थर्ड में, ई कॉमन दिख रहा है। देखो यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी ई है, तो क्या ले लू मैं, ई कॉमन ले लू, ठीक है। जैसे ये अपना फर्स्ट बॉक्स हो गया और ये अपना क्या हो गया थर्ड बॉक्स हो गया, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में कंपेरिजन करा रहे ना, कॉमन क्या हो गया ई आ गया, तो ई ले लिया अपन ने, कॉमन ले लिया। अब मैंने क्या सिखाया कि जो भी कॉमन है उसके क्लॉक वाइज चलना है। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, पहले बॉक्स में ई है, तो क्लॉक वाइज चले इसके, भागे इससे आगे चले नेक्स्ट चले, तो क्या आया बी आया, तो मैंने लिख लिया बी लिख लिया। अब बी से और आगे चले तो क्या आया एफ आया, तो मैंने एफ लिख लिया। एफ से आगे चले तो वापस ई आ गया। अब देखिए थर्ड बॉक्स की बात करते हैं, तो थर्ड बॉक्स की बात करें अपन, तो थर्ड बॉक्स में देखो क्या है, ई कॉमन है, ई के बाद चले क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज ही घूमना है, क्लॉक वाइज चले तो ई के बाद क्या है सी आया, तो यहाँ मैंने सी लिख लिया। सी के बाद नेक्स्ट आगे चले तो क्या है डी आया, तो मैंने यहाँ डी लिख लिया। अब बताओ क्या होगा कॉमन, किसका कॉमन पूछा, बी का कॉमन पूछा है, तो बी का कॉमन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, तो सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या आंसर होएगा, इससे अपना जी आंसर हो जाएगा, तो सी और जी, सी इस वाले से हो जाएगा और जी इस वाले से हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो देखो ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा कि भाई जो ऑप्शन में सी दे रखा हो तो सी पे टिक करेंगे, जी दे रखा हो तो जी पे टिक करेंगे। और ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप है ना, मतलब कि इस वाले से, इस वाले मेथड से, इस वाले से फर्स्ट और सेकंड में कंपैरिजन करा के करो, नहीं, कोई से में भी कंपैरिजन आप कराओ, बस अपन को आंसर से मतलब है, आंसर आना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट और सेकंड में भी हो सकता है, फर्स्ट थर्ड में भी हो सकता है, हो सकता है सेकंड और थर्ड में भी हो जाए, किसी में भी कंपैरिजन हो सकता है। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, ये दे दिया अपन को डॉट डॉट दे दिया, ठीक है, तो ये भी नंबरिंग हो गई। अपन को अंदर कोई भी सिंबल कैसा भी दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है, अपन इजीली कर ले जाएंगे। अब देखो अब बताओ भाई इसमें कह रहा है कि एक नंबर है, एक डॉट है, एक डॉट का अपोजिट कौन सा होगा, तो अपने पास ये तो क्लियर है कि एक डॉट वाला बॉक्स तो अपन को लेना ही लेना है। तो जैसे ये फर्स्ट बॉक्स हो गया, ये सेकंड बॉक्स हो गया और ये अपना थर्ड बॉक्स हो गया, अपन को पता है थर्ड तो अपन को लेना ही लेना है। तो अब देखो थर्ड बॉक्स है भाई, उसका कंपैरिजन कराओ, ठीक है। अब अपन कंपैरिजन कराते हैं, अब जैसे मान लो थर्ड का और फर्स्ट का करा देते हैं अपन कंपैरिजन, ठीक है, थर्ड का और इसका करा दिया, तो बताओ कैसे क्या होगा। अपन ने क्या सीखा था कॉन्सेप्ट कि कॉमन ढूंढेंगे अपन, कॉमन क्या है, अब मुझे बताओ इसके अंदर कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, यहाँ पे देखो दो डॉट है और यहाँ पे तीन डॉट है, यहाँ पे दो डॉट है और यहाँ पे तीन डॉट है ना, तो देखो दो कॉमन आ गए, दो कॉमन आते हैं, दो वाला मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था, दो कॉमन आते हैं, दो को कैंसिल कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, एक का जो अपोजिट है वो क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, यानी कि ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको कंपेरिजन इससे भी करा सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन उससे कुछ अलग आएगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है, अपन आराम से कंपेरिजन करा के और कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। आज के वीडियो में इतना ही,
और देखिए नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे ओपन डाइस के बारे में, ठीक है। ओपन डाइस के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए अभी इस वीडियो में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा ऐसे टाइप के जो भी डाइस होते हैं उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। चाहे वो तीन डब्बे आए, तीन बॉक्स आए, चाहे चार आए, चाहे पांच आए, कितने भी आए, बस कंपैरिजन कराते जाओ। चाहे वो फर्स्ट सेकंड से हो, फर्स्ट थर्ड से हो, आगे कोई चौथा भी दे रखा, चाहे फर्स्ट फोर्थ से हो, चाहे सेकंड थर्ड से हो, चाहे सेकंड फोर्थ से हो, किसी से भी हो, बस अपन को कंपैरिजन तो देखो इतना तो क्लियर है कि कंपैरिजन तो दो के बीच ही होगा, तो वो देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझा चुकी हूँ किस तरह से अपन को कंपैरिजन करा के सॉल्व करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।